दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। भारी पुलिस फोर्स अयोध्या में तैनात किया जा रहा है। भाजपा के नेता घर घर जाकर लोगों को पर्चा बांट रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं उद्घाटन की। आपको बता दूं कि इसी बीच हिंदू मुस्लिम भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच खबर निकलकर सामने ये आती है कि जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं, वो रामलला का ड्रेस तैयार कर रही है अयोध्या में। आपको बता दूं कि चंदा जुटाकर यह ड्रेस तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को इन महिलाओं की तरफ से सौंपा जाएगा, जो कि 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके तरफ से यह ड्रेस तैयार किया जा रहा है। और भाजपा के इस कदम को लेकर कितना ये महिलाएं खुश है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक एनजीओ के तहत ये लोग काम करते हुए चंदा जुटाने के बाद ये ड्रेस तैयार किया जा रहा है, जो कि 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं आपको दिख रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जरी का वर्क किया जा रहा है रामलला का ड्रेस में। और उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं आपको दिखाई दे रही है, जो कि ड्रेस को तैयार करने का काम कर रही है, और राम मंदिर ट्रस्ट को ये ड्रेस सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है ये सभी महिलाएं बरेली के मेरा हक फाउंडेशन के बैनर तले काम करती है, जो कि पीड़ित महिलाओं के हक के लिए एनजीओ के रूप में काम करता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। महिलाओं की ये इच्छा है कि 22 जनवरी को ये वस्त्र अयोध्या पहुंचाया जाए। मेरा हक फाउंडेशन के तहत काम करने वाली महिलाओं का ये कहना है कि 3 तलाक से इनको निजात मिली है। आगे लिखा है, भाजपा सरकार में 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है, जिसके चलते वो भाजपा सरकार से बेहद खुश है। और ऐसे में वो कैसे पीछे रह सकती है, जब पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ये महिलाएं भी चाहती है कि हमारे तरफ से भी कुछ ना कुछ दिया जाए, जिसको लेकर ये तस्वीर, ये वीडियो सामने आती है, जहां पर रामलला के ड्रेस तैयार की जा रही है। जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके तरफ से ये भेंट दिया जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट को। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की अलग अलग राय है। एक यूजर है, वो लिखते हैं कि जब ऐसी बात है, भाजपा से इतनी ही खुशी मिली है, तो फिर भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये तकलीफ भरा जिंदगी क्यों। ये इस तरीके से लोगों ने इस वीडियो के सामने आने के बाद अपनी अपनी राय रखी है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं राम मंदिर के इस उद्घाटन को, और जिस तरीके से इसके हवाले से लगातार आपको खबरें देखने को मिल रही है, और लगातार नेशनल मीडिया जो इस खबर को चला रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।